आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। प्रयागराज के चर्चित विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में हमलावरों ने गवाह उमेश पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। गोलीकांड में तड़तड़ाहट से पूरा प्रयागराज सहम गया है, जिसके बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। महज 44 सेकंड में ही पूरा प्रयागराज दहल गया। अपराधियों का ये तांडव उमेश पाल की हत्या के लिए हुआ। हत्या की ये घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। ये वो अपराधी हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। एक अपराधी बाइक से आया तो दूसरे ने कार से उतर कर बंदूक तानी। वहीं दो अपराधी दुकान में ग्राहक बनकर खड़े नजर आए और एक के बाद एक सब ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की और पूरी वारदात पास लगे कैमरे में कैद होती गई। प्रयागराज में हुई घटना की गूंज सदन में सुनाई दी। धमक ऐसी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव में तीखी नोकझोंक भी हो गई। एक कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ा रहा है तो दूसरे ने मिट्टी में मिला देंगे कि धमकी दे डाली। शूटिंग हो रही हो दिन दहाड़े, गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए और आखिरकार पुलिस क्या करी उत्तर प्रदेश में। और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन काम हो रहे हैं और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर, कमिश्नरेट बता रहे हैं, कमिश्नरेट से कानून लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर जमकर एक दूसरे पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री योगी ने जहां कहा माफियों को मिट्टी में मिला देंगे, वहीं अखिलेश ने रामराज की हुंकार भरकर सरकार पर निशाना साधा। हमारा तो एक ही राजा है वो राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। आज भी रामलीलाओं का जो प्रचलन है संत तुलसीदास जी की देन है। क्या गोली चलना जीरो टॉलरेंस है? बम चलना क्या जीरो टॉलरेंस है? मुख्य गवाह की हत्या हो जाना वो अधिवक्ता है उसको जीरो टॉलरेंस है क्या? ये है उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस कोड, ये है रामराज। इन सब के दौरान मुख्यमंत्री ने सदन से सभी को आश्वस्त किया कि प्रयागराज की घटना पर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। विपक्ष इतने में नहीं रुका। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की नसीहत देने की जगह लगातार कानून व्यवस्था पर उंगली उठा रही है सपा और बसपा। समाजवादी पार्टी की तरफ से योगी सरकार के लिए तमाम ट्वीट किए गए जिस पर प्रयागराज की घटना का जिक्र किया जा रहा है। पार्टी के मुखिया ने प्रयागराज की घटना पर ट्वीट भी किया था। दूर तक कहीं नजर नहीं आने वाली बसपा सुप्रीमो ने भी ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि प्रयागराज की घटना ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। दरअसल प्रयागराज मामले में फूलपुर सीट से सपा के पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद का हाथ होना बताया जा रहा है। वहीं इस हमले में
उमेश पाल के अलावा उनके दो सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए हैं। राजू पाल बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे और 2005 में उनकी हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल उस हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। राजू पाल की हत्या में मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद है, जो गुजरात की एक जेल में बंद है। अभी अतीक अहमद की पत्नी बीएसपी में है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।